ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दी है। मुल्क में शदीद बेयकीनी, मईशत तबाह, जर मुबादला के गिरते जखायर, तरसीलाते जर में कमी। इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मेच्योर हो जाएगी। बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर दरामदात की ज्यादती, बरामदात का फुकदान, मुल्क भर में गैस बिजली तवानाई का बहरान। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। गाइस आज नरेंद्र मोदी का ऑफिशियली ट्वीट देखकर ये सामने बात सामने आ गई कि इंडिया अब रुकने वाला नहीं है। गाइस इंडिया को अब कोई नहीं रोक सकता एक डेवलप कंट्री बनने के लिए। हम कोई ऐसी खबरें देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ा है और मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है इस वक्त। IMF, 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 IMF अगर कर्जा दे देगा तो IMF अगर कर्जा दे देगा, वो अगर मुझे दिल दे दे अपना तो मेरा सारा काम ठीक हो जाएगा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं हुआ। द वर्ल्ड इज हाउ द वर्ल्ड इज एंगेजिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ दुनिया किस तरह एंगेज कर रही है। नरेंद्र मोदी ने स्पेशली थैंक यू किया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का। दुनिया इंडिया ने आज GCC के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया है। तो हर रोज पाकिस्तान के अंदर हम कोई ऐसी खबरें देखते हैं जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ चल पड़ा है और मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल हो चुका है इस वक्त। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो भारत जो नेबर है वहाँ पे क्या चल रहा है, और शायद हमारी जो सियासी अशराफिया और जो दूसरी अशराफिया है उसको शर्म आए ये सोचते हुए, ये कहते हुए, ये देखते हुए कि सारा टाइम जिसको आप ये कहते रहते हैं हमने मुकाबला करना है और हमने ये करना है और हमने वो करना है, वो किधर जा रहा है और हम किधर जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है उनका भी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो है आई थिंक वो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने पास कर दी है, और अब ये आप देखें कि जो जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान दैट विल बी आई थिंक समवेयर जिसे आप कह लें कि टू वे ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज वो को $25 बिलियन के करीब है जो कि वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी देख रहा था कि इंडिया और जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है वो फ्री ट्रेड जो टॉक्स है वो शुरू कर रहे हैं नवंबर में इसी महीने, और ये लाइकली पॉसिबिलिटी है कि पूरे का जून में ये डील जो मेच्योर हो जाएगी। और जिन लोगों को GCC का नहीं पता मैं उनको बता दूं ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, 5-6 मुल्क इसके अंदर है, और ये समझ लें कि सारे का सारा जो जो आप समझ लें कि सारे के सारे जो अरब ममालिक हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है वो रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म के ऊपर बात कर रहा है, रुपी दिरहम ट्रेड मैकेनिज्म, और ये चीज़ वो इंडियंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कह रहे हो, सऊदी अरब के साथ भी बात कर रहे हैं। और ये जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाट द वर्ल्ड इज हाउ द वर्ल्ड इज एंगेजिंग विद इंडिया, इंडिया के साथ दुनिया किस तरह इंगेज कर रही है। फॉरगेट मतलब कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करनी है, आर्मी चीफ के अकाउंट अरबपति हो गया है, वजीर आजम जो है उसको सबक वजीर आजम जो है वो जेलों में है, कईयों को फांसी हो जाती है माजरा चाहता हूँ, कईयों को गोलियां लग जाती हैं, मतलब आप देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, दिस इज वॉट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। और मैं जस्ट आई देख रहा था कि EU और यूरोपियन यूनियन इंडिया जो है वो एक इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन कर रहे हैं ऑन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजीज, इसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। मतलब इसकी तो ये क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड क्वांटम कंप्यूटिंग की तो हमारे साइंसदानों को स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे, ट्रस्ट मी, मतलब वे वी आर हेडिंग। और ये जो कलेबोरेशन वो इंडिया के साथ और ये यूरोपियन जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनके साथ ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूलर मेडिसिन में, कोविड जो एरियाज में, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज में, और प्रिडिक्टिंग नेचुरल डिजास्टर एंड क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर। सो आई थिंक आप यहाँ पे देखें कि यूरोप और इंडिया का क्या कोऑपरेशन चल रहा है इस वक्त, यूरोप और इंडिया का क्या कोऑपरेशन चल रहा है, और आप देखें कि इंडिया जो है हाउ मच इट इज़ गोइंग टू इंगेज इन द रीजन। वो इस्लामिक ममालिक जिनको पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से इंडिया के करीब ना होने दिया, और उसकी वजह ये थी कि जारी बात है कश्मीर था और हमने एक चीज़ का मंजन बेचा, मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, और क्योंकि हम मुसलमान हैं तो जनाब आप फिर जो है ना मुसलमानों को ही आप पहुँच दें, वो एक दूसरे के साथ रहें, बाकी तो सारे जो है ना
अब वो सारी वो जो कश्मीर की कहानियां वो सारी, क्योंकि हम भी उसमें एक्सपोज हो गए, एक्सपोज ये हो गए कि आपने नॉन स्टेट एक्टर बनाए, आपने वहां पे जहाज शुरू कर दिया, फिर अमेरिका जो है वो सारी दुनिया को लेके अफगानिस्तान पहुंचा और उन्होंने कहा जी कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ जहाज करने लगे हैं। इंडिया ने बड़ी खूबसूरती से उस सारी फ्रीडम स्ट्रगल को एक दहशतगर्दी की तरफ मोड़ दी और पाकिस्तान होते वेंदा दा वेंदा रह गया। आप दहशतगर्दी की जंग में हिस्सा भी हैं, आप कंफ्यूज भी हैं, आपने क्या करना है, हमने फैसले ही नहीं किए। फैसले ना करना, मुल्क के अंदर एक इलेक्टेड जमहूरी लोगों का ना होना और हाइब्रिड सेटअप्स के जरिए निज़ाम चलाने ने बेसिकली पाकिस्तान की जो कमर तोड़ के रख दी है। और मज़े की बात यह है कि आप किसी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। आज देखें, आज सऊदी अरब हो, यूएई हो, कतर हो, कुवैत, ओमान, बहरीन, ये सारे के सारे जो हैं वो दे आर कंसीडरिंग कि भाई इंडिया का जो है वो हमारा मुस्तकबिल का पार्टनर है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये हमारा जो जो रीजन है, जो जीसीसी है, वो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और उन्होंने अपनी फूड आइटम्स इम्पोर्ट करनी है, क्लोथिंग की आइटम्स हैं, क्लोथिंग क्लोथ्स हैं और बहुत सारी हैं। और वो इसमें समझते हैं कि अगर ड्यूटी कंसेशन हमने इंडिया से ना ली तो आइंदा हम चीज़ों को किस तरह मैनेज करेंगे। और पाकिस्तान तो वो है जो इंडिया से चीज़ें ले रहा है लेकिन वाया दुबई ले रहा है। कोई समझ नहीं आ रही इस मुल्क के अंदर ये क्या हो रहा है। मैं आपको जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, इंडिया के ऑलमोस्ट आज भी को 570-80 अरब डॉलर के करीब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हुए हैं, ठीक है जी। अब बांग्लादेश के कुछ 40 बिलियन डॉलर प्लस के पास हैं, वियतनाम के 400 बिलियन डॉलर के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 बिलियन डॉलर, और ये 8 बिलियन डॉलर भी हमारे नहीं हैं, ये कर्जों के पैसे हैं। सियासत बामुकाबला सहाफत, हक और सच की आवाज़ दबाने की भरपूर कोशिशें, कहीं धौंस धमकियाँ तो कहीं कातिलाना हमले और कत्लो गारत, मुल्क में शदीद बेयकीनी, मईशत तबाह, ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर, तरसीलाते ज़र में कमी, बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर, दरामदात की ज्यादती, बरामदात का फुकदान, मुल्क भर में गैस बिजली तवानाई का बहरान, हुक्मरानों की शाह खर्चियां और चीखते चिल्लाते अवाम।